सुप्रभात, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम करते हैं अपने चैनल पर एक नए क्वेश्चंस के साथ। और आज हम बात करेंगे एसिडिक नेचर नाइट्रोजन कंपाउंड। और मेनली जो नाइट्रोजन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, हमें ये बातें करनी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लास 12th में सीबीएसई में क्वेश्चंस कोई आस्क किया गया है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इज मोर एसिडिक दैन नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि N2O5 में जो एसिडिक नेचर होता है वो ज्यादा होता है और N2O3 में क्या होता है, कम होता है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों N2O5 का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसिड क्या होते हैं। तो जो हमारा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है एसिड का, उसका हम किसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, लुईस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और लुईस ने कहा था लोन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज एसिड। क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज एसिड। एसिड बेस कॉन्सेप्ट अगर हम लुईस के अकॉर्डिंग देखें तो लुईस ने ये कहा था कि ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं N2O5 और N2O3 में कौन सा हमारा मोर एसिडिक नेचर शो करेगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है N2O5 का और N2O3 का। साथ में अगर हम बात करें यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस फाइव हो जाएगी। और N2O3 में अगर देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। आपको एक सिंपल बात बताना चाहते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बहुत ज्यादा है। क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बहुत ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वो अपनी डिफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा। तो यहां पर +5 है और यहां पर +3 है। आपको सिंपल वे में समझना है कि +5 वाला इलेक्ट्रॉन को बहुत ही फास्ट एक्सेप्ट करेगा कंपेयर टू +3। और लुईस क्या कह रहे हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर जो जितना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड होता है। तो आपको यहां पर एक सिंपल टर्म याद में रखना है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है दैट मींस वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं मोर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। मोर एसिडिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। दैट मींस यहां N2O5 पर क्या है, +5 है, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और N2O3 में चार्ज क्या है, कम है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बे से हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि N2O5 इज मोर एसिडिक कंपेयर टू N2O3। क्यों, क्योंकि N2O5 में नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है, +5 है, N2O3 में चार्ज कितना है, +3 है, और जिसके ऊपर जितना चार्ज उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। अगर हम दूसरे बे से बात करें, ठीक है, अब मुझे और समझना हो तो आइए हम बात करते हैं N2O5 की। N2O5 में देखिए आपके पास यहां पर दो नाइट्रोजन यहां पर दिख रहे हैं, इन दोनों नाइट्रोजन के पास जो भी लोन पेयर थे इन्होंने अपने लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर दिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। देखिए यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, दैट मींस नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब जब इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बहुत इजी वे में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर होता तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता, रिपल्सन होता, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से ना आ पाता। बट अगर हम बात करते हैं N2O3 में, तो यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एक नाइट्रोजन के पास इनका लोन पेयर क्या है, वो पहले से सुरक्षित है, इनके पास है।
तो जहां पर कंडीशन ये है कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के पास आना, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहे तो बहुत आसानी से नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है कि नाइट्रोजन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पर लोन पेयर जो है वो भी पार्टिसिपेट हो गए, किसमें, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली नाइट्रोजन के पास जा सकता है, यहां पर कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट लेके हम बात कर सकते हैं और दूसरा हम एबिलिटी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कि कहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जा सकता है। इस बेस पे हमारा जो आंसर होगा हम क्या बोलेंगे, N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।